चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन अ कलकत्ता लेबोरेटरी वॉज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर. कैलकुलेट दिस प्रेशर इन SI एंड CGS यूनिट्स यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. क्या क्या गिवन है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी इज 13.6. डेंसिटी ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 10^3 kg पर मीटर क्यूब. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द प्रेशर इज इक्वल टू h ρg इन देयर यूजुअल सिंबल्स. आइए देखिए कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या जो गिवन है वो उनको हम लिख लेते हैं. हमें गिवन है हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 75 × 10^-2 मीटर. ओके, अभी डेंसिटी ऑफ मर्करी इज ऑल्सो गिवेन. सो डेंसिटी ऑफ मर्करी हाउ मच इट इज गिवेन एज 13.6 × 10^3 kg पर मीटर क्यूब. ओके, नाउ जी इज ऑल्सो गिवेन टू एस एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला P इज इक्वल टू h ρg. ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75 × 10^5 − 2 × ρ = 13.6 × 10^3 × g = 9.8. ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी. दिस विल बी 99960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज 10 × 10^4 10 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, अब हम चेंज करते हैं इन सीजीएस क्या हो जाएगा हमारे पास. हाइट हम सेंटीमीटर में ही रखेंगे, एच 75 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, डेंसिटी हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी. सो डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी हो जाएगी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, जी हमारे पास क्या हो जाएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो हम पी निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, एच रो जी, फॉर्मूला इज सेम. ये क्या हो जाएगा, 75 × 13.6 × 980. ये भी निकल के आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 × 10^5. अब यहाँ पे यूनिट क्या होती है, डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.